और बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से। आज 24 फरवरी 2020 और हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग की जिन वैकेंसी का आपको इंतजार था, TGT भर्ती का आपको इंतजार था, उसके लिए नोटिफिकेशन आज जारी कर दी गई है। आज 24 फरवरी 2020 श्रीमला द्वारा ये हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी की गई है, आपकी स्क्रीन पर आ रही है। इसमें TGT आर्ट, TGT नॉन मेडिकल, TGT मेडिकल की जो वैकेंसी है बैच वाइज इसमें भरी जाने वाली है। पूरी जानकारी हम आपको देंगे किस प्रकार से आपका इसमें सिलेक्शन होगा, पूरी जानकारी 1-2-4 हम आपको बताएंगे। डेजिग्नेशन ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड, TGT अमोंग कैट क्वालिफाई HPSSP हमीरपुर ऑन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, ओनली प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये जो वैकेंसी ये भरी आपकी जाने वाली है। पे स्केल एंड अलाउंस आपका रहेगा, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 13,900 से लेकर 10,300 प्लस 3600 ग्रेड पे इसमें आपको दी जाएगी। 100% ऑन ग्रेड पे ऑफ द पोस्ट ये आपको इसमें दिया जाएगा। प्लेस ऑफ वर्क इसमें आपको बताया हुआ है, एनी वेयर इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कहीं भी आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है, ये आपको इसमें बताया हुआ। नंबर ऑफ जो पोस्ट है इसमें TGT आर्ट्स की आप पहले नोट कर लीजिएगा, 307 जो पद इसमें ये भरे जाएंगे, 307 जो पद इसमें ये भरे जाएंगे TGT आर्ट्स के। और इसके साथ आपको जानकारी दी हुई है जनरल के 112 पद है, OBC के 50 पद ओपन की बात हम कर रहे हैं, इसमें रिजर्व में वैकेंसी आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। SC के लिए 62 पद है, SC BPL के 11 पद है इसमें आपको बताई हुई है, और ST के लिए 11 पद रहेंगे, ये जानकारी आपको इसमें दी हुई है। बात कर लेते हैं TGT नॉन मेडिकल की, तो इसमें 143 जो पद ये भरे आपके जाने वाले हैं, और TGT मेडिकल में आपके पद भरे जाएंगे टोटल 104। ये जो पद है इसमें ये आपके 104 पद भरे जाएंगे, 143 पद और 307 जो है TGT आर्ट्स के इसमें पद भरे जाने वाले, इसको आप नोट कर सकते हैं। रिजर्वेशन अगेंस्ट एज कैटेगरी इसमें आपको मेंशन किया हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ वैकेंसी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये आपको बताया हुआ कि कोई भी इसमें आपको जो पीरियड है वो आपको नहीं बताया हुआ, इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आप रहोगे। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड ये आपको इसमें बताया हुआ, एज जो आपके 18 से 45 साल होने चाहिए। TGT आर्ट्स के लिए आप BA BCom विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन BEd या फिर BA BCom एटलीस्ट 45% मार्क्स आपके होने चाहिए और बैचलर इन एजुकेशन BEd इन अकॉर्डिंग विद NCTE ये आपको इसमें बताया हुआ है। बाकी अगर आपको पूरी जानकारी इसकी चाहिए, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं TGT आर्ट्स की, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक लीजिएगा, पूरा इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं TGT नॉन मेडिकल के लिए, तो सेम रहेगा BSc NM विद 50% मार्क्स, 1 ईयर बैचलर डिग्री, और अगर ये आपके पास नहीं तो और जो आपको ऑप्शन इसमें दिए हुए, अगर आपके पास कोई भी एलिजिबिलिटी इसके रिलेटेड तो आप इन पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस टू आपने की हुई है, इसके साथ आपने BEd की हुई है, आप अप्लाई इसके लिए कर पाएंगे, बड़ी जानकारी आपको दी हुई है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं TGT मेडिकल के लिए, सेम आपको बताया हुआ BSc मेडिकल विद 50% मार्क्स, 1 साल का आपके पास BEd का डिप्लोमा होना चाहिए, आपको इसमें बताया हुआ है, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप, वीडियो को रोक कर भी इसकी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। और डिस्क्राइबल जो क्वालिफिकेशन है ये आपकी सेम रहेगी जिस प्रकार से हर पोस्ट के लिए रहती है। एज लिमिट आपको बता दी 18 से 45 इन पोस्टों के लिए आपकी होने वाली है, और नॉन प्योरिटी कैंडिडेट इसमें आप चेक कर रहे हैं, एसेंशियल एज अबोव 7A आपको इसमें बताया हुआ है, तो 7A आप चेक करें अपनी स्क्रीन पर, इसको आप जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, ये आपको इसमें पूरी जो जानकारी है वो आपको बताई हुई है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो वैकेंसी वो आपकी स्क्रीन पर कैटेगरी वाइज आ रही है इसको आप नोट कर सकते हैं, और आप इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं वो हम आपको इसमें बता रहे हैं। तो कैसे आप आवेदन कर सकते हैं पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से आपको इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा, ये जानकारी इसमें आपको दी हुई है। ऑल द रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस एंड इन सब एम्प्लॉयमेंट ऑफिस इन हिमाचल प्रदेश, द रिक्वेस्ट एट द नेम ऑफ द कैंडिडेट में बी सेंड टू द ऑफिस ऑफ द कंसर्न डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन लेटेस्ट बाय 442020, ये आपको इसमें बताया हुआ है। तो जो आपके एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है वो आपके जो आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है वहाँ से आप इसके लिए आवेदन करोगे, और
वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जिसके जहाँ पर आप इसको सबमिट करोगे अपने डॉक्यूमेंट्स, वो कंसर्न डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को जो आपके डॉक्यूमेंट्स उनको भेज देंगे, ये आपको उसमें बताया हुआ है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश 24 फरवरी 2020 को ये नोटिफिकेशन आ जारी की कि पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश से, अगर आप हो तो बड़ा मौका आपके लिए होने वाला है और महत्व हिमाचल प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं उनको इसमें दिया जाएगा, ठीक है, बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश के सभी कैंडिडेट की।